देखिए आज हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी पर बात करने वाले हैं, ठीक है। टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है, ये सेना में आपको नया एक प्रावधान जोड़ा गया है, इसको मैं मतलब सेना चाह रही है कि हम टूर ऑफ ड्यूटी करें। इसमें रियली टूर ऑफ ड्यूटी होता क्या है, उससे पहले हम लोग इसको समझते हैं। सेना की बात किया जाए तो वो सेनाएं हमारे पास परमानेंट होती है, शॉर्ट सर्विसेज वाली सेनाएं होती है, और एक सेना का और प्रावधान किया जा रहा है जो टूर ऑफ ड्यूटी होगी। अभी ये तत्काल में है नहीं, लेकिन इस पे जल्द ही कुछ न्यूज आने वाला है। ऐसे भी आपको पता होगा कि दो साल कोरोना की वजह से दो साल से इधर आर्मी की वैकेंसी वगैरह भी नहीं आ रहा है। तो इसमें टूर ऑफ ड्यूटी में क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं परमानेंट सर्विस क्या होती है, इसको समझ। परमानेंट सर्विस के तहत जो भी सेनाएं होती है उसको लाइफ टाइम ड्यूटी करना होता है। लाइफ टाइम ड्यूटी करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे जीवन भर उसको वहां आप सर्विस दीजिए, ऐसा नहीं। लाइफ टाइम करने का मतलब कि आप जैसे आप सर्विस आपका ये 60-65 होगी आपको वहां से रिटायर कर दिया जाएगा, तो वो आपका लाइफ वो आपका परमानेंट सर्विस होती है। उसके बाद फिर आपका है शॉर्ट सर्विस। देखिए शॉर्ट सर्विस क्या होता है, इसके तहत आपको 10-15 साल ड्यूटी करनी होती है, 10-15 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका पेंशन चालू रहेगा। पेंशन में कटौती नहीं होती है, इसके तहत आपको पेंशन दिया जाएगा, इसके तहत भी पेंशन दिया जाता है। तो ये आपका शॉर्ट सर्विस होता है और ये आपका परमानेंट है। और एक तीसरा जो है वो सेना इस पे बात कर रही है, चर्चा चल रही है, और वो है टूर ऑफ ड्यूटी। देखिए टूर ऑफ ड्यूटी क्या होती है, इसको समझते हैं टूर ऑफ ड्यूटी क्या होती है कि इसमें सेना को बहाली किया जाएगा और वो आपको पार्टनर पे सेना को बहाली किया जाएगा और वो आपको टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो भी सेना बहाली होगी उसको एक लिमिट समय के लिए बहाली किया जाएगा, और जिसकी अवधि लगभग 3 साल होगी। ऐसे इसको पूरा क्लियर नहीं है, लगभग 3 साल, ठीक है, लगभग 3 साल। ऐसे कभी कभी इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि 3-5 साल की होगी, लेकिन मान के चलिए आपका 3 साल मिनिमम ही लेकर के चलते हैं 3 साल। तो इसके तहत वैसी सेना को ज्वाइन किया जाएगा, वैसी आर्मी को बहाली किया जाएगा जो आपका परमानेंट नहीं होंगे, शॉर्ट सर्विसेज नहीं होगी। मतलब वो सेना होंगे उसकी सारी सेना वाली फैसिलिटी दी जाएगी, बट वो 3 साल के लिए एक फिक्स समय के लिए बहाल होंगे। और इस समय टूर ऑफ ड्यूटी की जो सेना होगी उसको सारा आर्मी वाला ही आपका प्रोसेस रहेगा, उसमें आर्मी और टूर ऑफ ड्यूटी वाली जो आर्मी होगी उसमें कोई अंतर नहीं होगी। टूर ऑफ ड्यूटी की बात की जाए तो इसको लाने का काम करने वाले व्यक्ति प्रथम सीडीएस थे, जो प्रथम सीडीएस बीपी रावत थे, उन्होंने ही इसकी प्रपोजल रखी थी कि हमारे देश में भी टूर ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, टूर ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। तो अब खैर बीपी रावत जी आपको पता ही होगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी एक दुखद दुर्घटना हो गई थी और वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी बाइक भी उनके साथ थी और वो नहीं रहे। तो एक बिपिन रावत जी का ही प्रपोजल था जो टूर ऑफ ड्यूटी जो 2020 की बात है आया था। अब जो नया हमारे सीडीएस है वो आपका एमएम बिपिन रावत नरवणे जी है, तो उन्होंने ही हाल फिलहाल में आपको एक न्यूज प्रकाशित किया था जिसमें टूर ऑफ ड्यूटी की बात किए थे। उन्होंने क्या बोला कि यदि हम टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अगर हम आर्मी को लेते हैं तो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लेने वाले आर्मी को हम परमानेंट जॉब नहीं दे सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या कि हमारे पास आर्मी का स्टॉक बरकरार रहेगी। और हकीकत भी है, अगर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आप किसी आर्मी को लेते हैं तो आपके पास आर्मी का एक्स्ट्रा स्टॉक रहेगी, परमानेंट आर्मी तो आपका होगा ही होगा, और उसके अलावा आपके पास क्या होगी टूर ऑफ ड्यूटी की आर्मी होगी, इसकी हर साल बहाली आएगी। हर साल बहाली आने का मतलब क्या है समझिए, जैसे मान के चलिए कि आप टूर ऑफ ड्यूटी के तहत गए हैं, मान के चलिए कि 2022 में 1 लाख सोल्जर को सिलेक्ट किया गया, 1 लाख आर्मी को लिया गया, 1 लाख आर्मी में 2022 में लिया गया तो 2023 में फिर लिया जाएगा 1 लाख, फिर 2024 में लिया जाएगा 1 लाख। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 साल का अगर प्रावधान रहता है टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, यानी कि 3 साल के लिए अगर सेना को बहाली किया जाता है तो 3 साल अगर हर एक साल 1-1 लाख अगर हम आर्मी को लेते हैं यानी सेना को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ज्वाइन करवाते हैं तो 3 लाख हमारा सेना तो बरकरार रहेगी, 3 लाख सेना होगी। अब मान के चलिए कि 2022 वाले को हम 3 साल के बाद रिटायर कर दिए तो 2024 में फिर 1 लाख लेंगे, तो यदि 22 वाला आपका खत्म होता है 24 वाला फिर 1 लाख आएगी तो हमारे पास 3 लाख सेना क्या हो जाएगी स्टॉक हो जाएगी, 3 लाख सेना भी स्टॉक हो जाएगी। प्लस मेन इसका उद्देश्य क्या है कि आर्मी के ऊपर जो हमारे खर्चा होती है उस खर्चा को कम किया जाएगा। ट्यूटोरियल आर्मी क्या होता है इसको समझिए, ट्यूटोरियल आर्मी जो होता है इसके अंतर्गत जो होता है किसी
इसमें आपको नॉर्मल व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं किया जाता, इसमें जो आपको मतलब बहुत अच्छे पोस्ट, बहुत अच्छे वीआईपी लोगों को सिलेक्ट की जाती है। इससे होता क्या है कि आर्मी का उत्साह बढ़ता है कि वो जैसे एमएस धोनी है, तो ये क्या है पूरी फेमस व्यक्ति है, आप भी जानते होंगे। एमएस धोनी जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक है, तो इसमें देखिए इनको पूरा सारा चीज ट्रेनिंग दे दी जाती है और इनको छोड़ दिया जाता है कि आप को जब जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे और आप जाइए। मतलब कि इनको कोई दिक्कत नहीं होती, जो लेफ्टिनेंट सॉरी ट्यूटोरियल आर्मी होती है उसको आर्मी का टोटल ट्रेनिंग, हथियार चलाने के सब कुछ सिखा दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। तो वैसे आर्मी का लोग ट्यूटोरियल आर्मी बोलते हैं। इसके तहत अगर तहत आपका एमएस धोनी महेंद्र सिंह धोनी जो है कर्नल रैंक है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का उनका पोस्टिंग है, तो वो आपका इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद एक पता है इनवर्स इंडक्शन। इनवर्स इंडक्शन क्या होता है कि इसके अंतर्गत आर्मी में ज्वाइन किया जाता है नॉर्मल व्यक्ति को नहीं। इसके अंतर्गत जैसे मान के चले कि आप पुलिस में है या पीएमपी में है या सीआरपीएफ में है या और भी बीएसएफ में कुछ भी है, तो उसमें से जो बढ़िया परफॉर्मेंस करता है उनको सेलेक्ट की जाती है इनवर्स इंडक्शन के तहत। और इस इनवर्स इंडक्शन में उसको सेलेक्ट कर करके पूरी सेना की एकदम पूरी सेना वाली ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पता है सेना की कितना हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो इसके अंतर्गत मान के चलिए 5 साल के लिए इसका इनवर्स इंडक्शन में सिलेक्शन हो गया। इनवर्स इंडक्शन के तहत इसको सिलेक्शन हो गया, तो पूरी आर्मी वाला मतलब इनवर्स इंडक्शन कहता है कि आप अगर पुलिस में है तो आपकी अगर परफॉर्मेंस वहां अच्छा है तो हम आपको आर्मी की ट्रेनिंग देंगे और आर्मी के ट्रेनिंग के दौरान हम आपको सारा चीज सिखाएंगे, आर्मी के टोटली चीज सिखा दिया जाएगा और उसके बाद आपको जहां आप ड्यूटी कर रहे थे पहले वहीं आपको लौटा दिया जाएगा। मतलब कि आपको परमानेंट यहां आर्मी में नहीं रखा जाएगा, सेना में नहीं रखा जाएगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी 4 साल 5 साल के लिए जब आप आएंगे तो उसके बाद आपको उसी रैंक पे उसी पोस्ट पर भेज दिया जाएगा जहां से आप आए हैं। और इसमें कहता है इनवर्स इंडक्शन में कि हम आपको सैलरी सॉरी पेंशन नहीं देंगे। पेंशन क्यों देगा, क्योंकि आप जहां से आए हैं रिटायर होइएगा आपको वहां पेंशन मिलेगी, वहां आपको पेंशन मिलेगी। तो यहां पास आपको जो इनवर्स इंडक्शन वाले आर्मी होते हैं उसको पेंशन नहीं दिया जाता है। तो हमारे देश में आपका परमानेंट हो गया जो पेंशन, इसको भी मिलता है इसको भी मिलता है। एक बात की जा रही पूरा ड्यूटी को, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ट्यूटोरियल आर्मी होती है जिसके अंतर्गत उसको सारा ट्रेनिंग वगैरह देकर उसको छोड़ दिया जाता है, आपको जो करना है जहां रहना है आप रहिए। जैसे एमएस धोनी इसका बेस्ट एग्जांपल है, सारे लोग जानता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं कौन, एमएस धोनी। उसके बाद इनवर्स इंडक्शन होता है, तो इनवर्स इंडक्शन में ऐसे लोग जाते हैं जो पहले किसी काम में आप सेवा दे चुके हैं, जैसे पुलिस हो गया या पीएमपी बिहार इलेक्ट्रिक पुलिस हो गए या आप सीआरपीएफ हैं, तो इन लोगों में से छाट करके भेजा जाता है इनवर्स इंडक्शन। उसी तरह से एक आपका और दिया जा रहा है प्रावधान जो टूर ऑफ ड्यूटी है। देखिए टूर ऑफ ड्यूटी का हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से, मेन इसका उद्देश्य क्या है कि आपको हम 3 साल के लिए नौकरी पर रखेंगे, 3 साल के लिए। ऐसे इसका कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन में 3 से 5 साल के लिए बताया जाता है, लेकिन मोस्ट आप लोग मिनिमम मान के चलते हैं 3 साल के लिए। तो अगर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 3 साल के लिए आर्मी बनाया जाएगा, यानी जवान बनाया जाएगा, सेना बनाई जाएगी। और उस 3 साल के दौरान आपको 9 महीना की ट्रेनिंग फुल एकदम आर्मी वाला दी जाती है। मतलब कि जो ट्रेनिंग एक जनरल यानी कि परमानेंट आर्मी की होती है वही ट्रेनिंग आपका होगा। मतलब आपके और उसके बीच में किसी तरह की कोई फर्क नहीं होगी, जो आर्मी ड्रेस उसका होगा वही ड्रेस आपकी होगी, यानी कि जो वर्दी रैंक सैलरी आपको एक परमानेंट आर्मी वाले को मिलेगा वही आपको मिलेगा। सिर्फ यहां पसंद कर क्या है कि जो पेंशन इन लोगों को मिलता है वो पेंशन आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ अंतर यही है। और आपको 3 साल के बाद आपको फिर से लौटा दिया जाएगा, बाकी इन लोगों को वही परमानेंट शिफ्ट कर दिया। इसमें एक प्रावधान और है कि यदि आप टूर ऑफ ड्यूटी के तहत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो हो सकता है कि आपको परमानेंट आर्मी भी बना लिया जाए। क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले को आर्मी कहती है कि आप हमारे पास रह जाइए, इसमें टेंशन नहीं है, और बाकी आप जो शेष बचे उसको वहीं लौटा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पास एक समस्या है, समस्या क्या है कि हम अगर 3 साल ड्यूटी दे देते हैं ट्यूटोरियल आर्मी के तहत आर्मी में, तो 3 साल के बाद हम जाएंगे कहाँ, एक पेंशन यहाँ पास होती है। दूसरी बात है कि अगर ट्रेनिंग करके हम लौट भी गए तो हमारे 3 साल बर्बाद हो जाएगी, 3 साल बर्बाद करने का मतलब कि हमारा पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो सरकार इसके लिए प्रावधान कर रही है, कर क्या रही है आप समझिए कि सरकार की कंडीशन, जैसे मान के चलिए आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन करिए उसके बाद टूर ऑफ ड्यूटी में आइए, या मान के चलिए इंटर कीजिए उसके बाद टूर ऑफ ड्यूटी में आइए, और उसके बाद जब आप टूर ऑफ ड्यूटी कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर आपको जब
टूर ऑफ ड्यूटी के बाद जब आपको घर वापस भेज दिया जाएगा तो वहां पास अगर आप दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पास आपको छूट दी जाएगी, और छूट दी जाएगी तो आप आराम से वहां पास क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा सेना का प्रावधान है, मतलब किया जा रहा है, और आगे का इंफॉर्मेशन क्या आएगा वो तो आप आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए इसमें आगे हम बताया कि 3 साल की होगी वर्दी रैंक सैलरी कुछ नहीं होगा, सॉरी वर्दी सैलरी और रैंक आपको वही रहेगा जो एक परमानेंट आर्मी को होती है। इसमें एक चीज है कि इसमें पेंशन आपको नहीं मिलेगी, इसमें पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी बात, छूट का प्रावधान रहेगा, यानी कि अगर आप निकाल करके आते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा दूसरी जॉब के लिए। उसके बाद फिर आपका 9 मंथ का ट्रेनिंग जो आर्मी का मिलता है वही ट्रेनिंग आपको भी दिया जाएगा। तो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ये चीज होती है। टूर ऑफ ड्यूटी का एक फायदा और है कि अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जाते हैं तो आपके अंदर में राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद कूट कूट करके भर जाएगा। ऐसे भी हमारी आप सेना देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई देश में अगर सबसे ज्यादा किसी को अगर सबसे ज्यादा अगर देश के प्रति लगाव होता है तो हमारी सेना होती है। और एक चीज बता दूं, जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जाएंगे सेना वो आपका यंग सेना होगा, एकदम उसका गर्म खून होगा बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं जैसे आप एक अब 40 साल के बच्चा को रखिए, बच्चा 40 साल के आदमी को रखिए, और एक आप 23 साल 24 साल वाले को रखिए, दोनों में आप तुलना कीजिए। ऐसा नहीं कि 40 साल वाला जो सेना है वो मतलब गड़बड़ मतलब लेकिन ये आप समझ सकते हो ना कि 23 साल 24 साल वाला और एक 40 साल वाला, दोनों में आप फर्क दिखिएगा, उसका जो उत्साह आपको कुछ और दिखेगा, लेकिन जो 40 साल वाला होगा वो भी उत्साहित रहेगा, लेकिन उसकी तुलना में आप थोड़ा सा मतलब आप खुद ही मेंटेलिटी देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर घर परिवार की जिम्मेवारी आ जाता है। लेकिन जो 23 साल वाला है उसको जिम्मेवारी की क्या बात है, देखिए आप उसका शादी है या कुछ भी नहीं, बेफिक्र है, और उसको लगा दीजिए आप चाइना के बॉर्डर पे, पाकिस्तान को तो उससे तो बात ही मत करो, वो कुछ नहीं है, चाइना के बॉर्डर पे आप लगा दीजिए, एकदम फ्रंट लाइन में, बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे लगाइए, देखिए उन लोग के गर्म खून 3 साल में कहां से कहां पहुंचा देंगे, कर देंगे उन लोग, तो उन लोग के गरीब बात करते। तो वहां पास एक फायदा ये भी है कि हमारे अंदर में जो आर्मी के जवान की आप बात कीजिएगा तो हमारे अंदर में एकदम एक यंग आर्मी का आपका स्टॉक बना हुआ रहेगा। दूसरी बात है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जाने वाले जो आर्मी होंगे उसके अंदर एक देश के प्रति प्रेम पनपेगा, यानी कि देश प्रेमी होगा, बहुत देश उसका लगाव हो जाएगा, उसके बाद डिसिप्लिन उसके अंदर में आ जाएगी। जिस क्षेत्र में टूर ऑफ ड्यूटी के बाद जिस क्षेत्र में अगर जाएगा वो व्यक्ति वहां पास भी वो अपना ड्यूटी एकदम बेहतरीन ढंग से निभाएगा, क्योंकि आर्मी में अनडिसिप्लिन एक भी % आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी एकदम वेल डिसिप्लिन होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। आर्मी अगर दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन अगर कोई है तो वो आर्मी है। आर्मी को आप मतलब जितना तारीफ कीजिए कम है, आर्मी हमारे लिए सर्वोपरि होता है। देश को अगर कोई सुधारने का काम करते हैं, देश को सुरक्षा प्रदान करती है तो हमारी आर्मी है। आर्मी आपको देश की सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि पुलिस क्या है, वो समाज को सुरक्षा देती है, समाज को बढ़ावा देती है, लेकिन पूरे देश की जिम्मेवारी किस पे होती है तो आर्मी पे होती है। तो आर्मी से लगाव बढ़ेगा हमारे जवानों के बीच, मतलब कि जो टूर ऑफ ड्यूटी से आएंगे उसको आर्मी के प्रति देश के प्रति क्या होगा, लगाव बढ़ेगी। ऐसे बता दूं कि ऐसा दूसरी बात और है कि अगर टूर ऑफ ड्यूटी से अगर कोई सेना जाती है तो उसके खर्च भी कम पड़ेगा। एक नॉर्मली आप देखिए तो एक सेना को पूरी लाइफ ड्यूटी करने में लगभग सरकार को उसके ऊपर में 11 करोड़ का खर्चा आता है। 11 करोड़ समझिए, एक सेना के ऊपर सैलरी पेंशन सब कुछ लेकर के अगर देखा जाए तो उसके पास क्या होता है, रेगुलर जो जवान होती है उसको एक जवान के ऊपर लगभग 11 करोड़ खर्चा आती है। जबकि आप टूर ऑफ ड्यूटी के जवान को देखिएगा तो 3 साल में उसको लगभग 1 करोड़ रुपया का खर्चा आती है। तो बताइए यहाँ पास अगर देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ रुपया का हमारा बचत हो रही है। अब 10 करोड़ रुपया की अगर एक सेना पर बचत हो रही है तो बताइए 3 लाख हमारे पास सेना स्टॉक होगी, और 3 लाख अगर सेना स्टॉक होगी तो 10 करोड़ से आप 3 लाख में गुना कर दीजिए, उतना पैसा हमारे पास बच जाएगा। उस पैसे से क्या होगी, हथियार वगैरह खरीदा जाएगा, एकदम लेटेस्ट वर्जन का आपका हथियार मिल जाएगा, उसको और भी अच्छे जगह पर पैसा को लगाया जा सकता है। आपको जान करके ताज्जुब होगी कि हमारे सेना को साल भर में 2.5 लाख करोड़ रुपया मिलता है। आप उस 2.5 लाख करोड़ को जो करना है कीजिए, खाइए पीजिए उड़ा दीजिए, उससे मतलब सरकार को नहीं, वो आपको 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल देती है, और देती है उसके और एक चीज और समझिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए में ही आपको हथियार वगैरह सब कुछ खरीदना है, 2.5 लाख करोड़ रुपए में ही। अब बताइए कि सेना को आपको एक चीज और जाननी चाहिए कि सेना को सैलरी पेंशन खाना पीना सब कुछ लेकर करके लगभग जितना 2.5 लाख करोड़ होती है साल भर में, उसका 60% आपको सैलरी प्लस पेंशन प्लस खाना उना में खपत हो जाता है, और मात्र 40% जो रुपया बचता है उससे आपको हथियार खरीदा है, मात्र 40%। अब बताइए कि यहाँ पास भी हमारा क्या होगा, जब टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सैनिक जाएंगे तो उसका इंक्रीज हो जाएगा, पैसा बचेगा, यानी कि
आपका सैलरी सैलरी किसको भी मिलेगी, ध्यान याद रखिएगा कि सैलरी आपको वही मिलेगी जो आपको रेगुलर जवान को मिलता है। ये नहीं कि आपको मतलब सैलरी कम दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको कमी होगी तो पेंशन की कमी होगी, यानी कि पेंशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये जो पेंशन बचेगी किस में आएगी, इसको इंक्रीज कराएगी। तो यहाँ से हमारा जो आर्मी है और शक्तिशाली बन जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारी आर्मी कमजोर है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी आर्मी जो है, हमारी सेना जो है टॉप 5 में आती है। जबकि पाकिस्तान की आप बात कीजिएगा तो उसकी आर्मी 15वां नंबर पे आती है। बताइए हम उसकी तुलना में कितना आगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग आगे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने विकास को छोड़ दें। और बेहतरीन बनाने के लिए, और बेहतरीन बनाने के लिए उसके और क्या हो गया, हम लोग अपनी रक्षा बजट को और बढ़ाएंगे। अब बढ़ेगा तो हमारी आर्मी नंबर 1 पे आ जाएगी, टेंशन ही नहीं है। फिर हमारे जो चाइना वाला लोग कहेंगे क्या करते रहता है, उसको से फिर टेंशन ही नहीं रहता है। तो ये हमारी टूर ऑफ ड्यूटी की फायदा होती है, टूर ऑफ ड्यूटी की फायदा है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी का क्या फायदा है। ये टूर ऑफ ड्यूटी होती है, फिर आगे जैसा इसका इंफॉर्मेशन आएगा हम आपको बता देंगे। ये टूर ऑफ ड्यूटी, ठीक है।